हेलो, नमस्कार एवरीवन। बनारस का ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद अभी कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि लैंड पे मंदिर था उसको तोड़ के किया गया है। इसके पक्ष और विपक्ष में बातचीत हो रही है। इसी में यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की तरह इसका भी सर्वे कराने का आदेश दिया। तो मुस्लिम पक्ष ने इसको चैलेंज किए सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया स्टे ऑर्डर लगाने से, मींस यह सर्वे होगा। तो एक्चुअली यह कंट्रोवर्सी क्या है, मथुरा का शाही ईदगाह मस्को मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को डिक्लाइन द स्टे ऑर्डर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर दैट मेंशन द सर्वे, कोर्ट मॉनिटर सर्वे, कोर्ट का आदमी होगा उसके बाद इस शाही ईदगाह मॉस्को का सर्वे किया जाएगा मस्जिद का। यह 14 दिसंबर को ऑर्डर किया गया था, 15 को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया ऑर्डर को। तो एक्चुअली यह जो डिसप्यूट है, यह जो कन्फ्लिक्ट है, यह जो झगड़ा है, यह बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी स्पॉटलाइट में आया है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, चूंकि बहुत सारे साक्ष्य निकल के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं, यही है, ये आपका मस्जिद है और ये मंदिर है, जहाँ ये सारी प्रिमाइसेस जो है कृष्ण जन्मभूमि है। तो शाही ईदगाह जो केस है उसमें हिंदू साइड का क्या क्लेम है? हिंदू साइड का जो पटिशन फाइल किया गया हिंदू साइड के तरफ से, उन्होंने बोला कि राजा वीर सिंह जो बुंदेला ऑफ ओरछा, ओरछा के थे, उन्होंने एक टेंपल बनाया लोग 13.37 एकर लैंड पर, 37 एकर लैंड पे 1618 ईस्वी यानी 1618 को बनाया गया, ध्यान से समझिएगा। और शाही ईदगाह जो मस्जिद है, वह जो साइट वहां पे है, वहां पे वह बनाया गया 1670 ईस्वी में। एक कैसे बनाया गया, यहां पे जो टेंपल था, मंदिर था, उसको तोड़ के बनाया गया, उसको तोड़ने का ऑर्डर औरंगजेब ने दिया था। और ये सारे साक्ष्य जो आए हैं उस समय के एक ऑफिशियल बुलेटिन है जो फरवरी 1617 का है, उसमें यह बताया गया है कि औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि इस मंदिर को तोड़ के और यहां पे मस्जिद बनाया जाए। ठीक है, उस समय थे औरंगजेब ऐसे थे जो हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे मंदिर को तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाया था, और ऐसा बुलेटिन में लिखा गया है, ऐसा बुलेटिन में ऑफिशियल या एक एविडेंस है। तो जो पटिशनर है वो उन्होंने आर्गुमेंट है उनका कि जो मस्को है, जो मस्जिद है, वह बनाया गया है उसी कॉम्प्लेक्स में, कृष्ण जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में, और वह जो मस्जिद है वह शेयर करता है, मैंने सटा हुआ है क्या, काटरा केशव देव टेम्पल से। वहां पे एक टेम्पल है काटरा केशव देव टेम्पल, मीन्स यहाँ पे काटरा केशव देव है, यहाँ केशव देव टेम्पल है, यहाँ पे वो ईदगाह मस्जिद है, क्लियर। और पूरा एरिया जो है कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां पे कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, हम सभी लोग जानते हैं। तो यह हिंदू साइड का क्लेम है, और इसी सब क्लेम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला सुनने के बाद कि भैया इसका सर्वे करा के देखो। और भी उनके पास साक्ष्य है, पहला साक्ष्य अभी जो हमने देखा क्या, कि यह औरंगजेब के ऑर्डर से मंदिर को विध्वंस करके 1670 में बनाया गया, क्लियर। अब उस मस्जिद में क्यों, उस मस्जिद को रिमूव करने की बात चल रही है, चूंकि उस मस्जिद में अंदर उस पिलर जो है वह पिलर लोटस सेप्ट पिलर है, यानी कमल के फूल उस पिलर पे बना हुआ है, जो कि क्या हिंदू टेंपल का एक कैरेक्टर शो करता है। और ये सारे मॉस्को प्रिमाइस में है, जो मॉस्को है, जो मस्जिद है उसके अंदर बना हुआ है जो पिलर, उस पे लोटस सेप्ट है। दूसरी बात कि जो पिलर जो है एक एविडेंस हो गया, क्लियर, जो क्या दिखाता है कि यह ओरिजिनली मंदिर था, बाद में आपने मस्जिद इसको बनाया, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे रिलीजियस सिंबल भी है जो कि वहां पे पत्थर पे खोदा गया, इनग्रेविंग है, जैसे शेष नाग का भी वहां पे कुछ इस तरह का मना मना मिला है।
जो बेस ऑफ द पिलर में शेष नाका मिला, तो इन सारे साक्ष्य यह प्रदर्शित करते हैं कि हाँ वहां पे पहले मस्जिद था, उसको तोड़ के मंदिर बनाया गया, या हिंदू साइड का आर्गुमेंट है। क्लियर। मुस्लिम पक्ष का जो जो रिप्रेजेंट करते हैं शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उन्होंने बोला कि नहीं भैया, शाही ईदगाह जो मशकू कमेटी और सुना, उन्होंने बोला कि शाही ईदगाह जो मस्जिद है वह जो 13.37 एकड़ जो लैंड है उसमें नहीं आता है। अभी जो हम बात किए हैं लैंड का, उसमें नहीं आता है, जो कि काटरा केशव देव का है। क्लियर। यानी वह मस्जिद, उनका कहने का मतलब कि यह मस्जिद जो है कृष्ण जन्म भूमि के अंदर नहीं बना हुआ है। क्लियर। दूसरा उनका ऐसा क्लेम है कि जो आप बोल रहे हैं कि मस्जिद वह कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो यह इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला है और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, ऐसा इन दोनों भाई साहब का कहना है, कमिटी और वक्फ बोर्ड का कहना है। जबकि हिंदू पक्ष का, इन्होंने ये सारी सबूत दिए कि पिलर है, उस पे लोटस शेप्ड है, दूसरी बात शेषनाग है ना, तो ये इन्होंने दिया। अब हम देखते हैं कि यह थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं, जो 13.37 एकड़ लैंड की बात हो रही ना, उसका देखते हैं। एक जुगल किशोर बिरला थे जो इस लैंड को एक्वायर किए, किन से, राजा बनारस से, और उस पर इस्टेब्लिश किए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। क्लियर। 1951 में क्या हुआ कि जो यह जो लैंड था वह ट्रस्ट में को दे दिया गया, इंटरेस्टेड टू ट्रस्ट, और कंडीशन क्या था कि यह कभी ना बेचा जाएगा ना इसको कोई प्लेस्ड वगैरह किया जाएगा। उसके बाद में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाया गया 1956 में, जो क्या करते थे, इसको मैनेज करते थे और टेंपल को और उससे जो भी जुड़ा हुआ लैंड था, श्री कृष्ण जन्मभूमि लैंड, उसको मैनेज करते थे। 1964 में क्या हुआ कि संघ जो है वह फाइल किए लोकल कोर्ट में, एक केस प्ली फाइल किए, उन्होंने बोला कि इस लैंड को रिस्टोर किया जाए, जबकि कंप्रोमाइज हो गया था किसके द्वारा, मस्जिद कमेटी के द्वारा 1968 में, और संघ एग्री हो गए थे कि उस राइट को छोड़ देंगे, कि लैंड संबंधी राइट को छोड़ देंगे। अभी यह हुआ है कि भैया लैंड तो था, लैंड तो है, लेकिन इस लैंड के अंदर मस्जिद बना हुआ है। उस समय भी यह उठा था, लेकिन यह बात छोड़ दिया गया कि भैया आप अपना मस्जिद ऐसे रखो। उस समय क्या कंडीशन थी, यह थोड़ा सा कंप्रोमाइज उस समय हुआ था। कब हुआ था, 1968 में। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, 2020 में रंजन अग्निहोत्री नाम है, और उनके कुछ साथ उनके दोस्त भी हैं, जिन्होंने केस फाइल किया, जो चैलेंज किया इस कंप्रोमाइज को, 1968 के कंप्रोमाइज जो हुआ था उसको चैलेंज किया मथुरा सिविल कोर्ट में। क्लियर। वह खुद जो है वह भगवान श्री कृष्ण के जो विराजमान है उनके दोस्त के रूप में वहां प्रेजेंट किया प्ली में, है ना, ऐसा होता है कि भगवान का, जैसे इस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें खुद भगवान का दोस्त भी प्ली में फाइल किए हैं, मतलब वह भी पिटीशन है ना। तो सिविल कोर्ट में बाद में रिजेक्ट कर दिया कि भैया ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में सिविल कोर्ट ने उसको मेंटेनेबल बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको मेंटेन में रखा। लेकिन लगभग 2.5 साल के बाद 17 और प्ली फाइल हुए सेम कोर्ट में, और मई 2023 में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने 8.5 प्ली को एडजुडिकेशन में डाले, और बाद में रिसेंटली 14 दिसंबर को उन्होंने बोला कि भैया इसका सर्वे कराओ कि देखो क्या है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर लगाने से मना कर दिया। क्लियर। सो दीज आर द केस ऑफ द शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।